नमस्कार दोस्तों, बाइक वाला सुविधा में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीवीएस एक्सेल वाला आपके पास जो मोपेड है उसमें अगर आप जो चेन है चेन में एक्सेस ऑयलिंग करते हैं तो इससे आपको क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ता है। तो चलिए देना करते हैं वीडियो को, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी आप देख रहे हैं ये जो मेरा मोपेड है, यह है आपका BS3 का मोपेड, टीवीएस एक्सेल आपका सुपर हैवी ड्यूटी। तो मैं यहाँ पर जो आपका चेन है चेनिस पॉकेट का आपका खासकर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा चेनिस पॉकेट में जो है हल्का हल्का ऑयलिंग दिख रहा है, हल्का फुल्का आपका ऑयलिंग अब शायद यहाँ पर दिख रहा होगा चेन में। तो इसमें क्या होता है कि मैं जो लुब्रिकेशन है लुब्रिकेशन उतना ज़्यादा नहीं करता, बहुत ही कम आपका लुब्रिकेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे पहले आपका जो रीज़न मालूम था कि अगर मैं लुब्रिकेशन ठीक टाइप से करूँ तो चेन जो है वो थोड़ा आपका अच्छा चलेगा, ठीक टाइप से चलेगा। और मेरा क्या होगा कि इसमें जो आपका चेनिस पॉकेट का जो छोटा छोटा दांत होता है वो सही भी नहीं होगा और गाड़ी का माइलेज वगैरह भी ठीक टाइप से मेंटेन होगा। पर ये जो बात है ये पूरा पूरी एक मिथ है दोस्तों। मैं हाल ही में कुछ आपका जानकारी इकट्ठा किया तो इसके हिसाब से आप अगर आपको बताएं तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका चेन है इसमें जो मेरा है ऑयलिंग और ग्रीसिंग दोनों आपका जो मात्रा है मैं तो अभी आपका कम करके रखा हूँ, पर पहले से इसमें दिया हुआ था। तो इसके चलते क्या हो सकता है, अगर मैं इसमें आपका ज़्यादा लुब्रिकेशन करूं तो ये जो आपका चेन का जो छोटा छोटा दांत देख पा रहे हैं भीतर की तरफ, ये छोटा छोटा दांत एक सह होना शुरू होगा और ये जो आपका दांत सह होने के चलते ये आपका जो चेन है चेन में भी आपका घर्षण के चलते वो चेन भी आपका ख़राब होने लगेगा। और मैं आपको एक एडिशनल टिप के तौर पर बता दे रहा हूँ, अगर आप चेन का लुब्रिकेशन ये बीच वाले जो जगह है इसको छोड़कर अगर इस साइड वाले जगह में करें तो चेन और ज़्यादा आपका डैमेज होगा और जल्दी से जल्दी आपका जो ये चेनिस पॉकेट है, चेनिस पॉकेट का जो छोटा दांत है मतलब छोटा जो आपका चेनिस पॉकेट होता है और बड़ा जो चेनिस पॉकेट दोनों ही आपका ख़राब होगा, ओवरऑल चेन को भी आपको प्रॉब्लम करेगा। तो बेसिकली आपका अगर चेन में लुब्रिकेशन करते हैं तो वही प्रॉब्लम होता है। एक आपका बात है लुब्रिकेशन के लिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि इंजन में आपका जो जला हुआ मोबिल रहता है, ये आपका है इंजन में आपका ऑयल चेंबर, इस यहाँ से आपको जो है हम लोग एक जला हुआ मोबिल जो है ये हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं और इस जला हुआ मोबिल को ही हम लोग क्या करते हैं कि उस जो चेन है चेन में आपका लगाने में यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं भी वही करता था पहले, पर आपको एक चीज़ बता देता है, अगर आप हो सके तो जो आपका गाड़ी का गियर ऑयल होता है गियर ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं अगर चेन को लुब्रिकेशन करने में तो ठीक है, अगर जो आपका जला हुआ मोबिल यूज़ करते हैं तो इसमें और भी आपका ज़्यादा घर्षण होगा और ज़्यादा भी आपका जो चेन का दांत है वो जल्दी सही होगा और इसमें चेन ज़्यादा जल्दी से डैमेज होगा, एकदम लेटेस्ट जानकारी है दोस्तों। और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, अगर गियर ऑयल का अगर आप यूज़ ना कर सके, अगर आपके पास पैसे थोड़ा ज़्यादा है मतलब अगर आप उसमें बेयर कर सके तो आप एक काम कर सकते हैं, चेन का जो आपका एक दूसरा चीज़ होता है आपका एक लुब्रिकेशन आता है अलग से चेन में लुब्रिकेशन, वो आपका एक टोटल जो किट है वो आप ख़रीद सकते हैं और चेन का जो टोटल आपका चेनिस पॉकेट वाला हिस्सा है उस जगह को आप चेन से उस हिस्से को आप जो है अच्छी तरीके से आपका लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तो मैं उसका जो एक अलग से दिखा भी दूंगा कि उसका लुब्रिकेशन किस टाइप से होता है, मैं उसका बाद में खरीदूंगा अभी। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरा चेन में मैं उतना अभी आपका लुब्रिकेशन नहीं किया हूँ, इससे क्या होगा कि मेरा ज़्यादा घर्षण नहीं पड़ेगा और ओवर लुब्रिकेशन के वजह से मेरा चेन ख़राब भी नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आप हो सके तो बहुत ही कम लुब्रिकेशन कीजिए, बहुत ही कम, ताकि आपका चेन जो है वो आपका घर्षण और शय होने से बच जाए। अगर लुब्रिकेशन करना है तो गियर ऑयल यूज़ कीजिए और नहीं तो मैंने जैसे बताया आपका अलग से चेन का एक आपका लुब्रिकेशन आता है वो आपका स्प्रे यूज़ कीजिए और चेन कोशिश कीजिएगा कि चेन का बीच बीच में देने के लिए साइड साइड में जो आपका हिस्सा में है उसमें आपका थोड़ा सा भी लुब्रिकेशन ना जाए तो ही ज़्यादा बेटर होगा। तो यही बात है और चेन को एकदम पूरा का पूरा साफ करके रखिएगा। तो आशा करते हैं कि ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, मैं इसी टाइप का और भी वीडियो लाता रहूँगा आगे बहुत सारा, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी जल्दी मेरा 3000 होने वाला है दोस्तों आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से, और मेरा जो पोलिंग सेशन है वो भी देखते रहिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद और जय भारत।